हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो बच्चा है वो ट्री के पास आता है, खेलता है, उसकी छाया के नीचे सो जाता है जब वो थकता है। एंड अब वो बड़ा हो गया है और वहाँ से चला गया है। सो जो ट्री थी वो क्या हो गई थी? उदास हो गई थी। एंड हम यहाँ तक हमने देखा, अब हम आगे देखेंगे क्या स्टोरी है। ट्री सेड, कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। जो बच्चा है बहुत टाइम के बाद वापस आता है और जो ट्री क्या कहती है, आओ बॉय, आओ बच्चे और मेरे ट्रंक पे चढ़ जाओ। स्विंग ऑफ माई ब्रांचिस, ईट माई एप्पल, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। क्या कहती है कि मेरे ब्रांचिस से स्विंग करो, एप्पल खाओ और खेलो और खुश हो जाओ, ऐसा वो कहती है। बॉय सेड, आई एम टू बिजी टू क्लाइम ट्री। मैं अभी बहुत ही बिजी हूँ, मैं क्लाइम नहीं कर सकता। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। वो क्या कह रहा है अभी? वो कह रहा है कि मुझे शादी करके मुझे हाउस खरीदना है मेरे वाइफ और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? ट्री सेड, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचिस एंड बिल्ड अ हाउस। क्या कहता है ट्री, क्या करती है कि मेरे पास हाउस तो नहीं है लेकिन तुम मेरे जो ब्रांचिस है, डालिया है, उसे काट सकते हैं और उससे तुम्हारा घर तुम बना सकते हो। नैरेटर सेड, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचिस एंड कैरीड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। जो बच्चा था वो क्या करता है, वो ब्रांचिस को काट देता है एंड उसे अपने साथ ले जाता है और अपना घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। क्या होता है, जो उसे अपनी ब्रांचेस देकर ट्री बहुत खुश हो जाती है लेकिन जो बच्चा है बहुत टाइम तक उससे दूर हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, जो ट्री है फिर से उदास हो जाती है। एंड व्हेन ही कम बैक आफ्टर सम इयर्स द ट्री वॉज हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक। नाउ द बॉय वॉज यंग मैन। लेकिन बहुत साल के बाद वो जो बच्चा है वो वापस आ जाता है और जो ट्री थी बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसके पास बोलने के लिए अब शब्द नहीं थे, इतना वो खुश हो गई थी ट्री। नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, क्या बन गया था, जब वो छोटा बच्चा था अब वो बड़ा मैन आदमी बन गया था। ट्री सेड, कम बॉय कम, वॉट कैन आई डू फॉर यू। आओ बच्चा आओ, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन सेड, आई एम गोइंग ऑन द बिजनेस ट्रिप, मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। आई वॉन्ट बोट टू टेक मी अवे, मुझे क्या चाहिए, एक बोट चाहिए जो मुझे वहाँ पर ले जाए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। ट्री सेड, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, अब मेरे पास सिर्फ मेरे ट्रंक ही बचा है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, क्या कहती है कि अब मेरे जो ट्रंक है उसे काट लो और उसे क्या बना लो, बोट बना दो। देन यू कैन सेल अवे, और तुम उस पर बैठ कर दूर जा सकते हो। नरेटर सेड, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्रीज एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प। क्या होता है कि जो बच्चा है उसे ट्रंक को कट कर देता है और जो ट्री है वो जो बच्चा है यंग मैन बोट से चला जाता है सेल के लिए। एंड द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ अ स्टम्प, अब उसके पास क्या बचा था, सिर्फ उसके स्टम्प ही बचा था। एंड
एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन कम बैक अगेन. बहुत टाइम के बाद जो यंग मैन था वापस आता है. नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज हिम. लेकिन अब वो क्या हो गया था, एक यंग मैन से एक ओल्ड मैन हो चुका था. बहुत टाइम के बाद वो आया था और ट्री रिकॉग्नाइज हिम, उसे रिकॉग्नाइज करती है कि आप. ट्री सेड आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल आर गॉन. क्या कहती है ट्री, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो फ्रेंड बट मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है, मेरे एप्पल भी नहीं है, वो भी चले गए हैं. ओल्ड मैन सेड माई टीथ आर टू क्विक फॉर एप्पल. अब मेरे जो दांत है वो भी वीक हो गए हैं एप्पल खाने के लिए. ट्री सेड माई ब्रांचिस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन थेम. ट्री क्या कहती है, लेकिन मेरी ब्रांचिस भी चली गई है, अब तुम स्विंग भी नहीं कर सकते. ओल्ड मैन सेड आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचिस. अब मैं बहुत ही ओल्ड हो चुका हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं ब्रांचिस के साथ झूल नहीं सकता. ट्री सेड माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब. वो क्या कहती है, मेरे जो ट्रंक है वो भी अब चले गए, तुम उस पर अब चढ़ नहीं सकते. यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है वो कैसे इसके ट्रंक पे बैठा है, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे ट्रंक भी चले गए, अब तुम उसमें चढ़ भी नहीं सकते उस पर. तो ओल्ड मैन क्या कहता है, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब. अब मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, मैं उस पर नहीं चढ़ सकता, मैं अब वीक हो चुका हूँ. ट्री सेड शिंग आई एम सॉरी आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग. ट्री क्या करती है, ऐसे सिंग करते हुए क्या कहती है, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो, अब आई विश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता, तुम्हें कुछ दे सकता, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, लेकिन अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं तुम्हें दे सकूँ. आई एम जस्ट ओल्ड स्टम्प, अब मैं एक बूढ़ा स्टम्प रह चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो. ओल्ड मैन सेड डियर ट्रीज यू हैव ऑलवेज गिवन. क्या कहती है, ओल्ड मैन कहता है कि डियर ट्री तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है, बट नाउ आई डोंट नीड मच, लेकिन अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. आई जस्ट क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. उसे क्या चाहिए, अब उसे एक क्वाइट का मतलब शांत जगह और सीट एंड रेस्ट, एक शांत जगह चाहिए उस पर वो बैठ सके और रेस्ट कर सके, आराम कर सके. ट्री सेड हैप्पीली वेल एन ओल्ड स्टम्प इज गुड फॉर सीटिंग एंड रेस्टिंग ऑन. सो जो ट्री है वो खुश हो जाती है, हैप्पीली कहती है अच्छा तो जो ओल्ड स्टम्प है वो बैठने के लिए और आराम करने के लिए क्या है, बेस्ट है, गुड है. कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट. क्या कहते हैं, आओ फ्रेंड बैठो और आराम करो. नरेटर सेड द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी. जो ओल्ड मैन क्या करता है, बैठ जाता है और जो ट्री होती है क्या हो जाती है, ट्री वॉज स्टिल हैप्पी, वो फिर से खुश हो जाती है. सो इस चैप्टर में हमने देखा कि एक ट्री है जिसका नेचर है कि हमेशा कुछ ना कुछ वो देती रहती है, गिव करती रहती है और हमेशा खुश रहती है. एंड अब लास्ट में क्या होता है, जब समय बीतता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता, लेकिन फिर भी वो उदास हो जाती है और वो कहती है कि सॉरी अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, एप्पल भी नहीं है, ब्रांचेस भी नहीं है, स्टम्प भी नहीं है जिससे मैं तुम्हें दे सकूँ. लेकिन जो ओल्ड मैन क्या कहता है लास्ट में, अब मुझे वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस क्वाइट प्लेस चाहिए जिसमें मैं बैठ सकूँ, सिट कर सकूँ और रेस्ट कर सकूँ. सो लास्ट में हम देखेंगे न्यू वर्ड्स. ओके,
स्विंग, स्विंग का मतलब क्या है? झूलना। डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब है स्वादिष्ट। प्लक, प्लक का मतलब क्या है? पेट से तोड़ना। ट्रिप, ट्रिप का मतलब क्या है? ट्रिप पर जाना। सेल, एंड सेल का मतलब जो बोट है उस पर बैठ कर जाना सेलिंग के लिए। स्ट्रम्प, स्ट्रम का मतलब है जो पेड़ का नीचे का भाग ये होता है स्ट्रम्प। एंड रिकॉग्नाइज करना, उसे आकार देना, ठीक है। सो एडेप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टीन, राइटर कौन है, कहाँ से ली गई है? बाय शेल सिल्वरस्टीन से ली गई है। सो हमारा चैप्टर यहाँ पर द गिविंग ट्री यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।